नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में, मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेकर 13 नवंबर तक की। 7 से लेकर 13 नवंबर तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी हो सकता है किसी और के लिए हो ये मैसेज। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। डेथ, 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स। देखो करंटली ये बंदा या बंदी जो भी है, पहले इनको लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म, रिश्ता मतलब अभी उनके तरफ से रिश्ता खत्म है, क्योंकि आपने उनको धोखा दिया है। 10 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। लेकिन ये बंदा या बंदी लेटे लेटे भी एक बात सोचता रहता है, क्या 10 ऑफ कप्स के बारे में, मतलब परिवार, बच्चे, रिश्ते, अपना इमोशन, ये बात उनके दिमाग में आता है। इसीलिए जब भी किसी चीज का खात्मा होते हैं तभी तो नई शुरुआत होते हैं डेथ के कार्ड के साथ। मैं अगर ये कहूँ कि उनके लिए तो ये रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन जब भी कुछ खत्म होता है उसके बाद ही नए कुछ शुरू होते हैं। देखो एंड तक आते आते उनका सोच क्या बता रहा है 10 ऑफ कप्स के बारे में। तो करंटली ये बंदा या बंदी जो भी है, ये दुखी है, परेशान है, उनको लगता है आपने उनको इतना बड़ा धोखा दिया है कि ये जिंदगी में इस धोखे से बाहर नहीं आ पाएगा। उनको लग रहा है ये रिश्ता रहे या ना रहे, उनके तरफ से तो रिश्ता खत्म। लेकिन दूसरे ही सन में इनको ये लगता है अगर ये रिश्ता खत्म है तो परिवार भी खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म होता है। तभी इनको इतने दर्द के बाद भी लगता है नहीं, रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहिए। अगर हम रिश्ते शुरू करते हैं तभी तो परिवार बन पाएगा। अगर आप पहले से शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए दोबारा से ये रिश्ते में आना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं। अगर पहले से परिवार बना हुआ है तो उस परिवार को दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन दिनों उनकी करंट फीलिंग इस तरह की रहेगी। कभी उनको लगेगा नहीं रिश्ता खत्म है, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, ये क्या है, परेशान किया है। दूसरे क्षण में उनको लगेगा नहीं रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है, अगर रिश्ता खत्म है तो परिवार कैसे बनेगा, अगर परिवार बना हुआ है तो उस परिवार को दोबारा से पाना कैसे होगा, मैं कैसे अपने बच्चों को मिलूंगी, परिवार में जाऊंगा या जाऊंगी, तो दोबारा से रिश्ता को शुरू करना चाहिए। इस तरीके की मूड स्विंग उनका करेगा। कभी सोचेगा रिश्ता खत्म, कभी सोचेगा नहीं दोबारा से शुरू करना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा नहीं है वो फिर से रिश्ते में आने के बारे में सोचेंगे। सिंपल सी बात है, बंदा परेशान है, दुखी है, तो ये सोच सकता ही है। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, ये चाहता क्या है या चाहती क्या है। जेंडर पे मत जाइएगा। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। देख लेते हैं वो चाहता क्या है। 9 ऑफ सोर्स, एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा या बंदी, मैंने कहा कि ये दुखी है, परेशान है, ये चाहता है इनका जो परेशानी है ये खत्म हो जाए। ये एक हर्ष डिसीशन लेना चाहते हैं। ये आपसे उम्मीद करता है कि आप भी एक डिसीशन ले लो। इनको लगता है जब भी आप लोगों में बात होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इस रिश्ते में या फिर हुआ था, इसीलिए ये दुखी है, ये परेशान है। इनको पता है कि आप दुखी हो और ये खुद भी दुखी हैं, लेकिन फिर भी आप एक इस तरीके से बैठे हुए हो एम्परर की। कोई मेष राशि के बंदा हो सकता है, आपके बंदा या बंदी,
ये आपसे उम्मीद ये कर रहा है कि आप खुद भी परेशान हो, उनको भी परेशान कर रहे हो। आप कुछ डिसीजन क्यों नहीं लेते हो? ये आपसे डिसीजन की उम्मीद कर रहा है। इनको पता है आप भी दुखी हो, आप भी रोज रात को सो नहीं पाते हो, ये भी सो नहीं पाते हैं। आप लोगों में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप इतने लड़ाई झगड़े जो कर रहे हो, इसको आप खुद को भी परेशान कर रहे हो, उनको भी कर रहे हो। इतने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट से आप बाहर आओ, सही तरीके से सोचो। गलती किसकी है, किसके लिए रिश्ता खराब हुआ है, क्यों रिश्ते में इतनी दूरियां आई हैं, ये सारी बातें ये उम्मीद कर रहा है ये बंदा या बंदी कि आप सोचोगे और आप कोई डिसीशन लोगे। एम्परर का कार्ड आया कि ये उम्मीद कर रहा है आप इस तरीके से रिश्ते को ना खराब करें, और रिश्ते में जो आप जो एक अलग तरीके की मूड में हो, डिसीजन ना लेना, लड़ाई झगड़ा करना, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको परेशान नहीं किया, आप खुद ब खुद परेशान हो, आप किसी और की वजह से परेशान हो। उसी वजह से रिश्ते को खराब करके चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको कोई डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देख लेते हैं इनका क्या एक्शन रह सकता है। ये पूरे जो रिश्ते बिगड़ने की जो पूरी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये आप पर डाल रहे हैं। ये पर्सन आप किसी मेष राशि के बंदे से भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं इनका क्या एक्शन क्या रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स रिकॉन्सिलेशन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, इनका कितना भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं, बच्चे, घर, परिवार, पहले भी कार्ड आया था। सिक्स ऑफ कप्स ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले ये दोबारा से उस बात को याद करके ये खुद को रोक लेगा या रोक ले सकता है। हर किसी के लिए नहीं रुकेगा, किसी किसी के लिए रिकॉन्सिलेशन होके रहेगा। ये बंदा या बंदी आपसे मिलने आ सकता है, आपसे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कॉल मैसेज कर सकता है। कितना भी इनका दिल टूटा हुआ है, कितना भी ये दुखी है, कितना भी ये परेशान है, ये रिकॉन्सिलेशन करने जरूर आएगा और आने की उम्मीद भी है, कार्ड भी बता रहा है, क्योंकि ये खुद को या फिर आपको एक कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह देखता है। इनको लगता है कि जब भी रिश्ते में आना है, स्टेबिलिटी के साथ आना है, ये खुद को बहुत ज्यादा अस्टेबल बंदा या बंदी मानते हैं। इसीलिए ये रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ भी करे इनके दिल से वो बात नहीं जाएगा कि आपने उनको धोखा दिया है, दुख पहुंचाया है, उनको उनके पीठ पीछे छोरा भोका है। क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड थर्ड पार्टी के हैं, किसी और के लिए आपने उनको परेशान किया है। ये बात याद रखते हुए भी ये एनर्जी वाइस वर्सा भी होते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, परेशान किया है, जो भी है ये आपको पता है। लेकिन ये बंदा या बंदी जो भी है, इतनी दुख के बाद, परेशानी के बाद, उनके हिसाब से आपके धोखे के बाद भी ये रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते भी हैं और ये आपसे मिलने आ सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीजों के बाद भी उनकी दिमाग में ये बात हमेशा चलता है कि स्टेबल रिश्ता, परिवार, बच्चे, घर, परिवार, ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूमता रहता है, इसीलिए ये आपसे रिकॉन्सिलेशन करने आएंगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। रिकॉन्सिलेशन होने की तो बहुत ज्यादा चांसेस है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को। लिब्रा, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप लोग जिस अम्यूजमेंट को मिस कर रहे हो, जो आपको पाना चाहिए था, जो आपकी हक है,
अगर आप उसको पाना चाहते हो तो अपना इमोशन को इतना ज़्यादा भी कंट्रोल मत करो। आप बहुत ज़्यादा इमोशन को कंट्रोल करके इंतज़ार कर रहे हो, आप दोनों ही। इसके कारण से ये जो प्रोसेस है रिकॉन्सिलेशन का, ये स्लो होता जा रहा है। इसीलिए जो आप इंतज़ार कर रहे हो गुड न्यूज़ का कि उनकी तरफ से आपको बुलावा आएगा, और वो जो इंतज़ार कर रहा है कि आपके तरफ से बुलावा आएगा, ये करते करते आप लोग अपनी खुशी को खराब कर रहे हैं। देखो थ्री ऑफ कप्स के कार्ड भी आए हैं, तो आप अपनी जो खुशी था उसको आप खराब कर रहे हो। इसीलिए जो अपना इमोशन कंट्रोल कर रहा है, जो बहुत दिनों से उम्मीद लगा के बैठा हुआ है, उस खुशी के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा। और जो इंतजार कर रहा है अपनी इमोशन को कंट्रोल करके, क्योंकि एक दूसरे को पता है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ये पता चल ही जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो जो खुशी आपको मिलनी है वो आपसे जुदा हो जाएगा। इसीलिए एक्शन लेने की चेष्टा दोनों को ही करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके तरफ से एक्शन के कार्ड आए हैं उनको ही लेना पड़ेगा। अगर आप भी आगे चल के एक्शन ले लेते हो तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि खुशी का जो पल है आप दोनों ही मिस कर रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।